नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 50वें मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 7 विकेट से रौंद कर रख दिया दिल्ली कैपिटल ने। आरसीबी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 182 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे दिल्ली कैपिटल की टीम ने आसानी से 16.4 ओवरों में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल के सलामी बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने शानदार पारी खेली। उन्होंने 45 गेंदों का सामना करने के बाद 87 रन बनाए। उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के ठोके। दिल्ली की इस जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार हैं। दिल्ली के 10 मैचों में अब 8 अंक हो गए हैं। दिल्ली के अंक तालिका में 10वें से 9वें स्थान पर दिल्ली आ गई है। वहीं आरसीबी को 5वीं हार मिली है और वह 5वें स्थान पर है। दोस्तों, दिल्ली की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा आगाज किया। साल्ट और कप्तान डेविड वार्नर ने पहले विकेट के लिए 60 रन की पार्टनरशिप की। दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने 14 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाए। डेविड वार्नर को जोश हेजलवुड ने 6वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। फिलिप साल्ट ने मिशेल मार्च के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़े। मार्च को 11वें ओवर में हर्षल पटेल ने आउट किया। मार्च आउट होने से पहले 17 गेंदों का सामना करते हुए 26 रनों का योगदान दिया, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। मार्च के आउट होने के बाद फिलिप साल्ट ने रिलो रसो के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 52 रन जोड़कर दिल्ली को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। फिलिप साल्ट को 16वें ओवर में करण शर्मा ने बोल्ड कर दिया। इसके बाद रूसो ने 1 छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल को जीत दिला दी। रूसो ने 35 और अक्षर पटेल ने 8 रन बनाकर नाबाद रहे। दोस्तों, इससे पहले आरसीबी ने टॉस जीतने के बाद निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए। आरसीबी की पारी की शुरुआत अच्छी रही। कोहली और कप्तान डुप्लेसिस ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। साझेदारी 11वें ओवर में मिशेल मार्च ने तोड़ी। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर फाफ डुप्लेसिस को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। मिशेल मार्च ने अगली ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को अपना शिकार बनाया। इसके बाद कोहली और लोमरो ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन की पार्टनरशिप की। कोहली को मुकेश कुमार ने 16वें ओवर में खलील के हाथों कैच कराया। कोहली ने 46 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। यह उनकी आईपीएल में 50वीं 50 है। वहीं लोमरो ने चौथे विकेट के लिए दिनेश कार्तिक के साथ 35 रन के साझेदारी की। कार्तिक को 20वें ओवर में खलील ने अपने जाल में फंसाया। महिपाल लोमरोन ने आरसीबी की तरफ से 29 गेंदों में 54 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। महिपाल लोमरोन का यह पहला आईपीएल अर्धशतक है। अनुज रावत ने 3 गेंदों में नाबाद 8 रनों की पारी खेली। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।